हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं पालक पनीर। इससे बहुत ही हम लजीज तरीके से बनाएंगे। इसके लिए मैंने धुला हुआ पालक लिया है 250 ग्राम, 100 ग्राम पनीर लिया है, इसके क्यूब्स काटे हुए हैं। थोड़ा सा मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर लिया है, और गरम मसालों में मैंने हरा मिर्च, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा जीरा लिया। आइए हम बनाते हैं। हमारे पालक पनीर बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि हमने तपेली में गर्म पानी किया हुआ है। इसमें मैंने 100 ग्राम पनीर को, पालक को डाला हुआ है। और कई लोग सिर्फ केवल पालक को उबालते हैं, पर यदि आप पालक के साथ इसमें टमाटर, अदरक, मिर्च और लहसुन, ये सभी सामान को डाल के यदि आप इसको पालक को थोड़ी देर बॉईल करें तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब पालक पनीर बनता है। देखिए, इस तरह से हमारा पनीर और बाकी का सामान बॉईल हो चुका है। हम बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करेंगे इसको। अब इसको थोड़ा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंडर में सबको डालेंगे। अब पानी बर्तन में रहने दीजिएगा। ये जो पानी है, आप इस पानी को फेंकिएगा नहीं। ये पानी आप चाहें तो बच्चों को सूप के रूप में नमक डाल के दे सकते हैंगे, या आप जब पनीर बनाएंगे तो उसमें ये पानी डालेंगे तो आपको अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इस तरह से हमने पालक और उसके साथ जो हमने टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज डाला था, सबको मिला के हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। अब मैंने कढ़ाई रखी है गैस पर, इसमें मैंने तेल डाला है आवश्यकता अनुसार। तेल गरम हो चुका है। अब मैं जो अपने गरम मसाले है उसमें जीरा डालूंगी। जो भी आप हरे पत्ते वाली सब्जी बघारते हैं तो उसमें केवल जीरे का उपयोग किया जाता है, अपन राइस में नहीं डालते हैं। जब तक जीरे तड़क रहे हैं, हमने ये जो पानी बचा के रखा हुआ था ये पानी हम वापस इसमें मिला देंगे। आप जितना आप गाढ़ा बनाना चाहें उस अनुसार ये पानी को डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें पूरा पानी डाल दिया है। अब ये जार और इस तरह से मैंने जार में को चला लिया है। अब ये मेरे जीरे जो हैं तड़कने लगे हैं, तेल भी अच्छा गर्म हो चुका है। अब ये जो मैंने पालक का जो चूर्ण मिक्सर बनाया था इसको मैं इस तरह से डाल दूंगी। और जब आप इसमें इसको डालें तो थोड़ा दूर रहिएगा क्योंकि तेल के छींटे ऊपर आते हैं। और इसको 5-6 मिनट तक थोड़ा बॉईल होने दीजिए। देखिए, अब 5 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम मिर्ची, नमक और हल्दी तीनों को, आप यदि तीखा खाते हैं तो ज्यादा मिर्ची डालिएगा, फीका खाते हैं तो कम मिर्ची डालिए, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी एक हरी मिर्च या लाल मिर्च डाल चुके हैं। अब तीनों को मैं इसमें डालूंगी। और उसके बाद 2-3 मिनट थोड़ा सा और पकाऊंगी इसको। आप चाहे तो ढाक के पका सकते हैं या ऐसे खुले में पकने दीजिए। अब ये पनीर लगभग तैयार हो चुका है। इसमें जो मैंने पनीर के क्यूब्स काट के रखे हुए थे, अब इसको डालूंगी। डालने के बाद इसको 2 मिनट थोड़ा सा और तेज फ्लेम पर हम पका लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने इसे गैस बंद करके सर्विसिंग बाउल में निकाल लिया है। अब आप इसे चाहें तो क्रीम से या फिर पनीर के जो पीस है क्यूब से, उससे गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लुक आता है। जब आप सर्विस करेंगे तो आपके घर में आने वाले जो मेहमान हैं वो देखते रह जाएंगे, देखिए कितना सुंदर सा दिख रहा है।
अब मैं चाहूंगी कि आप एक बार इस रेसिपी को जरूर बनाएं और जिस जैसी विधि मैंने बताई है इस तरह से बिल्कुल बनाइए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और आपके जो मेहमान आएंगे वो उंगली चाटते रह जाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस पर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।